हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द डिजाइनर गैलरी। आज मैं आप लोगों को बचे हुए कपड़े के मास्क कैसे बनाएं वो बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे सूट के आस्तीन है जो रेडीमेड सूट में मिलता है। सूट तो मेरा फट गया लेकिन उसका आस्तीन अभी न्यू पड़ा हुआ है जो कि किसी काम का नहीं है। आज मैं इस आस्तीन का यूज करूँगी और फेस मास्क बनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं किस तरह से इसका हम फेस मास्क बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो ये जो रेड वाली पट्टी है इसे हमें निकालना है। इसे हम कट करके ऐसे कट करके निकाल लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये गोलाई में है तो इसको पहले से सही करेंगे, कट करेंगे। अब इन दोनों को ऐसे करके नाप लेंगे, ऐसे रखेंगे सीधे की तरफ से। और ये हमें 7.5 इंच चाहिए तो हम इसे 7.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, ऐसे और ऐसे। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम देखेंगे, फिर से इसको इस पे हम रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको नापेंगे यहाँ से। यहाँ पे देखिए 3.5 इंच पे, 3.5 इंच पे ये हमारी माप है। अब इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है वो हम देखेंगे। तो फिर से हम इसको ऐसे घुमाएंगे और चौड़ाई हमें 8 इंच रखनी है। तो यहाँ से यहाँ तक 8 इंच हो रही है, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे ऐसे करके। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से सीधे निशान लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से ऐसे निशान लगा सकते हैं। ये 8.5 इंच है और ये 3.5 इंच। अब इसे हम कट कर लेंगे ऐसे करके। इस तरह से कट कर लेंगे और ये जितना एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कट कर लेंगे। और कट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, अब इसे हम कितने कितने इंच पे, अब यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई चलाएंगे। और अभी हमें इसकी डोरी बनानी है तो उसके लिए भी हम कपड़ा कट कर लेते हैं। ये हमारे पास वेस्टेज कपड़े हैं तो इसे हम, देखिए फ्रेंड्स, इसे हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसको ऐसे करके मिला लेंगे, देखिए इस तरह से। इसके बाद हम कट कर लेंगे। 3 इंच हमने इसलिए काटा है कि इसमें ऊपर और नीचे के दोनों तरफ के डोरी हो जाएगी। अब इसके बीच में से 1.5 इंच के लगा के हम कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कट कर लिया। ये आपके ऊपर के डोरी के लिए हो गया। और हम फिर से 1.5 इंच काटेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे मास्क बनाने के लिए जितनी भी कटिंग की ज़रूरत है वो हमने कट कर लिया है। ये हमारे मास्क के लिए कपड़े हैं और ये हमारे डोरी के लिए ये कपड़े हैं, दोनों कट कर लिए। अब हम सिलाई करने चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इस तरह से हम इन दोनों को एक साथ सिल लेंगे ऐसे रख के। अब इन दोनों को एक साथ सिल लेंगे यहाँ से वहाँ तक।
सिल गए हैं। अब इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद फ्रेंड्स देखिए इसमें एक एक इंच के एक इंच के यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर दूसरे पे और फिर तीसरे पे यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे। अब देखिए फिर प्लेट कैसे डालना है, इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डालने हैं, फिर यहाँ से उठाएंगे। इस तरह से डालेंगे। आप चाहें तो दो ही प्लेट डालें। इस तरह से फिर यहाँ पे एक और प्लेट डालेंगे। मैं यहाँ पे तीन प्लेट्स डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे स्टेपलर से स्टेप भी कर सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सिल लेंगे, फिर यहाँ पे कट कर लेंगे। अब हम इस साइड में हमें सिलना है तो इसके साइड में से ही इसमें ऐसे करके मिलाना है हमें। फिर यहाँ पे और फिर तीसरी प्लेट। मैंने यहाँ पे तीन प्लेट डाले हैं, आप चाहें तो दो ही डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से फिर से इस पर मशीन चला दें। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसके नाप के, देखिए यहाँ से यहाँ तक हम कट कर लेंगे। अब रॉन्ग साइड से हम इसको लगाएंगे, इस पट्टी को। अब फिर हम राइट साइड से ऐसे करके इसे, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम इसे पलट के ऐसे करके सिल लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इसी साइज का, इसी तरह हमें इस साइड में भी पट्टी लगानी है। देखिए फ्रेंड्स अब इस तरह की पट्टी हमें लंबाई में लगानी है, तो पहले हम क्या करेंगे, 13 इंच पे, यहाँ से 13 इंच पे, यहाँ देखिए यहाँ से 13 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब फिर 13 इंच से हम 8 इंच पे, देखिए यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब इधर भी हमारा 13 इंच ही होगा। देखिए फ्रेंड्स हमारे 13 इंच इधर भी है। अब देखिए हमें क्या करना है,
ये उल्टे के तरफ से, ये जहाँ से हमने 8 इंच का लगाया हुआ है यहाँ रखेंगे यहाँ पे और इसको सिल देंगे। यहाँ से यहाँ तक देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सिल देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये सिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इन दोनों को ऐसे करके सिलाई करेंगे। अब इन सबको ऐसे ही सिल देंगे फ्रेंड्स इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स अब ये हमारा डोरी वाला मास्क बनके तैयार हो गया है। देखिए बहुत अच्छा है, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें।